इस किताब का नाम रेड अलर्ट है। दुनिया भर के लुप्त प्राय जानवर कैथरीन बार एने विल्सन द्वारा चित्रण मेरे दोस्त जेफ के लिए, जिन्होंने कई साल पहले ग्रीन पीस में मुझे मेरी पहली नौकरी दी, जो खतरे में पड़ी प्रजातियों के प्रचार अभियान की थी। कैथरीन बार बिल एलामिया और फ्रैंक नामक कुत्ते के लिए इस अविश्वसनीय ग्रह को आपके साथ साझा करना अद्भुत है। एने विल्सन प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की लाल सूची हमें बताती है कि हमें इस दुनिया को उजड़ने से रोकने के लिए तुरंत कहां काम करने की आवश्यकता है। संरक्षणवादियों के काम के लिए यह एक महान एजेंडा है। सर डेविड एटनबर्ग फिल्म निर्माता और प्रकृतिवादी, जो अपनी प्रसिद्ध लाइफ ऑन अर्थ श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक कहानियों, तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमें पृथ्वी पर जीवन को समझने और उनकी देखरेख करने में मदद करता है। इनमें से कुछ वैज्ञानिक संकटग्रस्त जानवरों, पौधों और कवकों की एक सूची को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसे लाल सूची के रूप में जाना जाता है। सूची लाल रंग की है, लाल रंग जो आपातकाल को दर्शाता है, क्योंकि अब तक जांच की गई 80,000 प्रजातियों में से कई लुप्त होने के कगार पर हैं। लाल सूची के लिए एकत्र की गई जानकारी का उपयोग संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए किया जाता है। रेड लिस्ट टीम सूची में प्रत्येक जानवर का मूल्यांकन करती है और उसे एक श्रेणी में रखती है। कुछ श्रेणियां इस किताब में भी अंकित हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक जगह चुनें, फिर अपनी पसंद का एक प्राणी चुनें, इसकी कहानी खोजें और पता लगाएं कैसे हम उसे बचाने में मदद कर सकते हैं। पता लगाने के लिए एक जगह चुनें। एक ऐसा प्राणी चुनें जो आपकी चुनी हुई जगह पर रहता है। आओ घड़ियाल से मिलें। यह एक नाग की कहानी है। ये अन्य मगरमच्छों की तरह अपने पेट को रेत से ऊपर नहीं उठा पाते। विशालकाय घड़ियाल या मछली खाने वाला मगरमच्छ नदी किनारे घिसट कर चलता है। इसके दांत बहुत निकले और इसकी नाक के सिरे पर एक गांठ होती है। फोटोग्राफर अपने कैमरे से इस विचित्र दिखने वाले सरीसृप की एक तस्वीर लेता है। आओ इनके रोचक तथ्यों के बारे में जानें। घड़ियाल भारत और नेपाल की बड़ी नदियों में पाए जाते हैं। नर की लंबाई 26 फीट लगभग 6 मीटर तक हो सकती है। जैसे ये बड़े होते हैं, इनकी थूथन लंबी और पतली हो जाती है। नर की नाक पर मौजूद गांठ को घड़ा कहते हैं। तेजी से बहते पानी में ये मगरमच्छ अपनी पतली नाक का इस्तेमाल मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। सिर्फ नर की नाक पर ये गांठ होती है, जिससे वे मादाओं को आकर्षित करने के लिए ध्वनि निकालते हैं। फोटोग्राफर अपना ध्यान जानवर पर केंद्रित करता है। वो चाहता है कि स्थानीय बच्चे उनके स्कूल के नजदीक रहने वाले इस दुर्लभ जानवर को देख सकें। इन पर खतरे IUCN रेड लिस्ट में ये अति संकटग्रस्त श्रेणी में दर्ज हैं। ये मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं। बरसात से पहले इनके जलीय पर्यावास में पानी का बहुत कम हो जाना, नदियों का प्रदूषित होना और मनुष्यों द्वारा बांधों का निर्माण करना।